हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड गुड 4 साल से तकरीबन कोमा में हैं, और मतलब वो बोलते हैं, कोई कोई बात बोलते हैं, कभी कभी बिल्कुल सही साउंड करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा नाम। डिस्टर्बेंस रहती है। फायजा, मेरा नाम फायजा है। ठीक है, कोमा में है तो बोलते कैसे हैं? मतलब एक स्टेज है कोमा की, हिल नहीं सकते अपनी जगह से, हाथ पांव बिल्कुल उनके ऐसे हुए हुए मुड़े हुए, अपनी जगह से हिलते नहीं है, और खाना खाना कभी कभी खाना दिमाग नलकी से काम खा कर, खाना नलकी से खा रहे हैं या मुंह से? हाँ, नलकी से खा रहे थे, अब चबाना शुरू किया तो फिर कोमा में नहीं है, पैरालाइज हो गए हैं। है जी, बिल्कुल पैरालाइज है, हाँ, तो फिर हिलते कोमा नहीं है अपनी कोमा जगह से। कोमा कोमा नहीं है ना फिर? कोमा तो सब कुछ आपका, हर चीज़ शट डाउन होती है। अभी तो पूछा है कि खाना खा रहे हैं या हिलते नहीं खा नहीं रहे है हैं, अपनी जगह से। वो पैरालाइज है फिर। वो अच्छा, कोमा नहीं है डॉक्टर ना, कोमा तो मतलब, बेहोशी होता अच्छा है। बेहोश डॉक्टर तो आदमी, कहते हैं कि बेहोश कोमा की आदमी, एक स्टेज है डॉक्टर तो कह रहे होंगे कि कोमा की स्टेज है, लेकिन पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता कि कौन सी स्टेज है। मेरे हिसाब से नहीं है। कोमे में जो है ना, एक आदमी है जो खाना खा सकता है, वो है क्या कहते हैं, बाबा। वो कोमा हो या कुछ भी हो, वो खाना खा लेता है। यानी कि कोमे की हालत में अगर खाना खाते हुए देखना हो किसी को, तो बाबा से रुजू करें, वो वीडियो भेज देगा अपनी, कोमे की हालत में कैसे खाते हैं। कोमे में कोई नहीं खा सकता। कोमे का मतलब होता है कि लॉस्ट, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। कोमा बेसिकली आपकी रूह जो है कब्ज होती है साइड पे, तो उसके अंदर बॉडी काम नहीं करती। ये पैरालाइज हैं शदीद, जो भी है। मुजम्मिल सुना सकते हैं इनको? और घर पे हैं या अस्पताल में? घर पे हैं, अब घर पे शिफ्ट हो गए हाँ, हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोमा नहीं है ना। हाँ और फाइनेंशियली भी इशू है मुझे, क्योंकि ठीक है, 4 साल हो गए, तो कोई बहुत ज्यादा मसला है। आप प्लीज दुआ करें कि हेलो, ये शौहर की कैफियत हुई कैसे थी? एक्सीडेंट हुआ था ठीक चार है, साल पहले ना, एक्सीडेंट रोड से पे पहले, जब गिर एक्सीडेंट से पहले आप कुछ पढ़ रहे थे, कोई रिस्क के हवाले से, कोई वजीफा किसी आमिल से या किसी मुझ जैसे से? पूछ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड पढ़ते थे, मुझे नहीं मालूम, जब इनका एक्सीडेंट हो गया उसके बाद पता चला था कि ये किसी आमिल से कोई वजीफा लेके पढ़ बस रहे हैं मैंने बता दिया रिस्क ना, के हवाले से। मेरी बात गलत नहीं होती ना।